हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयूरी एंड यू आर वाचिंग मयूरी ब्लॉग्स। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही कमाल की टेक्निक, जिससे आपको पार्लर जाके पेडिक्योर करवाने की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपके काफ़ी पैसे भी बच जाएंगे और आपके पैरों की टैनिंग भी दूर हो जाएगी और आपके पैर लाइटन और ब्राइटन भी हो जाएंगे। तो ये है स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप है फुट क्लीनिंग। तो इसके लिए सबसे पहले एक टब में गर्म पानी लीजिए और इसमें एक नींबू का रस ऐड करना है। चम्मच बेकिंग सोडा इसमें ऐड करना है और थोड़ा सा शैम्पू इसमें ऐड करना है। फिर 10 मिनट तक अपने पैरों को इसमें सोक कर लीजिए। एक ब्रश में थोड़ा सा शैम्पू लेकर अपने पैर को क्लीन कर लीजिए। जब हम 10 मिनट तक अपने पैरों को पानी में सोक करने के बाद ब्रश से क्लीन करेंगे तो हमारे पैरों की जो डर्ट और धूल मिट्टी है वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। अगर आपके पैरों में डार्क स्पॉट है तो आप इस लेमन से इसे ऐसे क्लीन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पैरों के डार्क स्पॉट दूर हो जाएंगे। फिर पैरों को अच्छे से क्लीन करने के बाद अपने पैरों को नॉर्मल पानी से धो लीजिए। का सेकेंड स्टेप है फुट स्क्रबिंग। स्क्रब बनाने के लिए आपको एक बाउल में 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लेना है, फिर इसमें ऐड करना है 1 चम्मच शुगर यानी चीनी और लास्ट में इसमें ऐड करना है 2 चम्मच एलोवेरा जेल। आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं या फिर प्लांट वाला भी ले सकते हैं। मैं वाव का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर इस मिक्सचर को अपने पैरों में अप्लाई कर लीजिए। फिर अच्छे से अप्लाई करने के बाद अपने पैरों को 10 मिनट तक मसाज कर लीजिए। कॉफ़ी में स्किन वाइटनिंग एजेंट होता है और कॉफ़ी के साथ शुगर और एलोवेरा जेल को मिला के यूज़ करने से हमारे पैरों के डार्क स्पॉट दूर हो जाते हैं और सन टैनिंग भी इंस्टेंट दूर हो जाता है और ये हमारे पैरों को लाइटन और ब्राइटन भी करता है। फिर 10 मिनट तक पैरों को मसाज करने के बाद नॉर्मल पानी से धो लीजिए। इस ट्रीटमेंट का लास्ट और थर्ड स्टेप है फुट वाइटनिंग पैक। इसके लिए एक बाउल में 4 चम्मच ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन लेना है, फिर इसमें 1/2 चम्मच हल्दी ऐड करना है और फिर इसमें ऐड करना है 2 चम्मच दही और 1/2 नींबू का रस। फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है। फिर इस पैक को अपने पैरों में अप्लाई करना है। इस पैक में दही है जो हमारे पैरों को ब्राइटन करने में हेल्प करेगा, बेसन हमारे पैरों को लाइटन करने में हेल्प करेगा, लेमन जूस में साइट्रिक एसिड होता है जो हमारे पैरों के डार्क पैचेस और टैनिंग को दूर करने में हेल्प करता है, और हल्दी भी हमारे स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है। इस पैक को अप्लाई करने के बाद 20 मिनट तक इसे सूखने दीजिए और 20 मिनट बाद अपने पैरों को नॉर्मल पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके बाद अपने पैरों को मॉइस्चराइज करना ना भूलें। आप देख सकते हैं मेरे पैर कितने चमक रहे हैं, लाइटन और ब्राइटन हो गए हैं और मेरे पैरों की जो टैनिंग थी वो भी इंस्टेंटली दूर हो गई है। सो गाइज, आई थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू
प्रेस दी बेल आइकन जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।